क्वेश्चन नंबर वन, ये आपके सामने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है स्ट्रेट इनसाइड अ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और दिख रहा है कैपेसिटर में मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रॉन एंटर करने जा रहा है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में, लेकिन वो कह रहे हैं और इसमें सिग्मा गिवन है आपको, प्लेट्स का सिग्मा गिवन है और ये डिस्टेंस भी एल गिवन है, तो वो कह रहे हैं कि इसके अंदर कि द स्पेस बिटवीन इज फिल्ड विद कॉन्स्टेंट निगलेक्टिंग ग्रेविटी, द टाइम ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चाहेगा वो पैराबोला मूव करे, मैग्नेटिक चाहेगा सर्कल मूव करे, पर ये स्ट्रेट लाइन में चला गया इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, E by B, मैंने करवाया था शॉर्टकट कि अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड के होते हुए भी स्ट्रेट चला गया तो सीधा फॉर्मूला लगाओ वेलोसिटी क्या है E by B, और तुमसे ये पूछ रहा है वो स्ट्रेट कितने समय में ये कैपेसिटर को क्रॉस कर गया, तो समय निकालना है टाइम निकालना है, तो क्या करेंगे वेलोसिटी को डिस्टेंस को एल को वी से डिवाइड, वी तो हमने निकाल लिया एल अपॉन वी आंसर है, अब प्रॉब्लम ये है कि जब तुमने V निकाला उसमें E आ रहा है और E तुम्हें गिवन नहीं है तुम्हें B गिवन है, तो E क्या होता है प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर का सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये पुट कर दो आंसर V की जगह, आंसर V की जगह पुट कर देना आंसर, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक क्लियर है, तो वेलोसिटी तो निकल आएगी E बाय V से, E सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, एल अपॉन V में V पुट कर दे आंसर, कोई डाउट इसमें ठीक है यहाँ तक, जैसे इस क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन है देखो ये शीट मिक्स शीट है, ये बायट सर्वेट लॉ एम्पियर सर्किट लॉ और फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल के मिक्सड है, मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, तो ये क्वेश्चन बायट सर्वेट लॉ का क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या गिवन है, इसमें एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर गिवन है, तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर अलॉन्ग जेड एक्सिस है और कैरिंग अ करंट ऑफ आई इन नेगेटिव जेड डायरेक्शन, तो ये रही आपकी एक वायर, ये रही वायर और नेगेटिव जेड का मतलब बोर्ड के अंदर करंट जा रहा है, करंट कैरिंग वायर है बोर्ड के अंदर जा रही है ऐसे, तो हमें क्या निकालना है आपको बी निकालना है एट एनी पॉइंट एक्स कॉमा वाई इन जेड इज इक्वल टू जीरो प्लेन, तो बेसिकली क्वेश्चन तो ये है इसमें कि सपोज आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है मान लो ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है और ये करंट कैरिंग वायर है ऐसे, कैरिंग करंट अलोंग जेड एक्सिस ऐसे, तुम मुझे ये बताओ कि अगर कोई पॉइंट लिया जाए यहाँ पे कहीं पर भी आर्बिटरी तो इसके अंदर बी की डायरेक्शन कैसे होगी, राइट हैंड थंब बोर्ड के अंदर चार फिंगर ऐसे घुमाएंगे तो चार फिंगर कैसे घूमेंगी, ऐसे घूम जाएंगी चार फिंगर्स है मेरी, तो चार फिंगर जब ऐसे घूमेंगी तो बी वेक्टर कैसे बनेगा टेंजेंशियल बनेगा, क्या ये स्टेप क्लियर है, बी वेक्टर ये रहा और तुम्हें कोई भी आर्बिटरी ये पॉइंट लेने को कहा गया एक्स कॉमा वाई, सही है, तो इसमें एक्स कॉमा वाई लिया, एक्स कॉमा वाई का मतलब क्या होता है, ये अगर मैं एक ट्राइंगल कंप्लीट करूं ऐसे तो ये जो डिस्टेंस है वो एक्स है, ये जो डिस्टेंस है वो वाई है और ये डिस्टेंस क्या है आर है जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ऐसे बनेगा डायग्राम सही है, तो आर डिस्टेंस पे इस वायर से आर डिस्टेंस पे यहां पर बी का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा म्यू नॉट बाय फोर पाई टू करंट आई डिवाइडेड बाय आर, वेयर आर की वैल्यू तो मैंने बता दी आपको अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, कोई डाउट इसमें सही है, तो बी की वैल्यू मैंने यहां पर निकाल दी पर मेरे को वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो निकाल लो वेक्टर फॉर्म, ये देखो वेक्टर फॉर्म में कैसे, ये आपका एक बी वेक्टर है ये दूसरा बी वेक्टर है, कंपोनेंट बना रहा हूँ बी वेक्टर के, तो अगर आप इमेजिन कर लें ये जो एंगल है ये थीटा है तो ये एंगल 90 है तो ये कितना है 90 माइनस थीटा है, ये रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री पे है तो ये एंगल भी थीटा है ठीक, तो b वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे b cos थीटा के पीछे कौन सा कैप लगेगा माइनस j कैप, नीचे की तरफ है b cos थीटा, देखो
ये बनेगा बी कॉस थीटा, और ये क्या बनेगा, बी साइन थीटा, राइट। और बी साइन थीटा के पीछे कौन सा कैप लगेगा, आई कैप। तो एक वेक्टर नीचे जा रहा है माइनस जे कैप है, एक वेक्टर राइट जा रहा है तो कौन सा कैप है, आई कैप है। तब तुम एक काम क्यों नहीं करते, बी तुमने निकाल रखा है तो बी की जगह तो ये वैल्यूज पुट कर लें, कॉस थीटा साइन थीटा ट्राइंगल से निकाल लें, कॉस थीटा की वैल्यू बोलो क्या है, एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ऐसी साइन थीटा की वैल्यू क्या है, वाई बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो तुम कॉस थीटा साइन थीटा पुट कर लो, तुम बी पुट कर लो, आर की जगह वैल्यू पुट कर दो, ऑप्शन मार्क कर लेना, बी ऑप्शन आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या है इसका, समझ में आ रहा है कि आइडिया कैसे करना है इसे। तो बी वेक्टर के कैसे कंपोनेंट्स लेने हैं, बी कॉस थीटा बी साइन थीटा, कोई डाउट इसमें, ठीक है। जैसे ये तो चलो दो बड़े क्वेश्चन हैं, ये देखो एक छोटा क्वेश्चन, ये बिल्कुल ही छोटा है, फोर्थ कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेरिएशन ऑफ बी विद डिस्टेंस आर फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। इन फाइनाइट करंट कैरिंग वायर का बी का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट बाई फोर पाई टू आई बाय, तो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये लो, चलो एक तो खत्म हुआ, एक तो आंसर आया सही है। उससे भी छोटा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, वो कह रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, देखो ई भी है बी भी है, सेम डायरेक्शन में है, और साथ में वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद इट्स वेलोसिटी पॉइंटिंग इन सेम डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन को भी सेम डायरेक्शन में फेंक दिया। अब ई भी राइट है बी भी राइट है इलेक्ट्रॉन भी राइट है, तो आप बस मुझे ये बताओ क्या मैग्नेटिक फोर्स इस पे फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी, क्या इलेक्ट्रॉन पे बी फोर्स लगाएगा, क्यों नहीं लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, क्योंकि थीटा जीरो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, वी और बी में एंगल जीरो है, और फोर्स क्या होती है, बी क्यू वी साइन जीरो, साइन जीरो इज जीरो। तो मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाएगा, राइट। इलेक्ट्रिक लगाएगा, लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाता कैसे है, इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, पर हमने इलेक्ट्रॉन को तो साथ भेजा, तो फोर्स कहाँ लगेगी, ऑपोजिट, तो इसकी स्पीड बढ़ेगी कि कम होगी, कम होती जाएगी, कम होगी तो आंसर इज इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम होती जाएगी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का यहां पर कोई रोल ही नहीं है, सही है यहां तक। जैसे ये क्वेश्चन है, दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, दो चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों आइडेंटिकल हेलिकल पाथ बनाते हैं लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक हेलिकल पाथ इधर बना रहे तो दूसरा हेलिकल पाथ इधर बना रहे, सुनते ही पता लग रहा है कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तभी ऑपोजिट मूव कर पाएंगे, तो मूव नहीं कर पाएंगे। पर एक प्रॉब्लम है, अगर मैं ये बोलूं कि एक चार्ज क्यू है तो दूसरा माइनस क्यू है, तो क्या वो आइडेंटिकल बना सकते हैं, बी भी सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, सब कुछ सेम है, अब बन सकता है, नहीं बन सकता, क्योंकि हेलिकल पाथ का जो रेडियस होता है वो एम वी साइन थीटा बाई बी क्यू है, सिर्फ चार्ज मैटर नहीं करता, मास भी करता है, तो रेडियस छोटा बड़ा हो सकता है, तो मैटर यहां पर मास और चार्ज करता है। तो तुम ये बोलोगे चार्ज टू मास रेशियो का सम जीरो आना चाहिए, जीरो कब आता है, जब एक चार्ज पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, और अगर ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो इनका सम जीरो होगा और मैग्नीट्यूड बराबर होगा, अगर मैग्नीट्यूड चार्ज टू मास का सेम होगा तो रेडियस भी सेम होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा।